वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। मैं लाया हूँ और एक वीडियो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। आज इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, उसका हम टेक्निक्स या मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इसमें बहुत सारा टेक्निक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक क्या है, रेशियो वेरिएशन मेथड। या इनिशियल रेट मेथड। इसमें देखो रेट इज इक्वल्स टू, मान लो ये रिएक्शन है ए प्लस बी से सी, तो यहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा के इंटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई निकालना है। अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम ए को कांस्टेंट लेंगे, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कांस्टेंट लेके बी को हम चेंज करेंगे, और एक बार हम बी को कांस्टेंट लेके ए को चेंज करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने ए को कांस्टेंट रख के बी का चेंज किया है, और बी का दो एक्सपेरिमेंट किया है, एक एक्सपेरिमेंट में मैंने बी को डबल कर दिया है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट डबल हो जाएगा, अगर सेकंड ऑर्डर है तो रेट फोर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डबल हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और अगर फोर टाइम्स हो रहा है तो क्या होगा, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैं फिर से देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट में, एक बार ए को कांस्टेंट रखूंगा, बी को चेंज करूंगा, बी को चेंज करके मैं दो तीन एक्सपेरिमेंट करूंगा, और एक बार मैं बी को कांस्टेंट रख के ए को चेंज करूंगा। ठीक है, मतलब मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूंगा। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके मुझे ये निकालना है, जब ए को कांस्टेंट रखूंगा तो बी के लिए ऑर्डर आ जाएगा, जब बी को कांस्टेंट करूंगा तो ए के लिए ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो, उसको क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इमेज दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे ये एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, ए प्लस बी से सी बन रहा है, देखो दिया है ए प्लस बी से सी बन रहा है। अब रिएक्शन के लिए देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है, देखो 1 2 3 4 ये चार एक्सपेरिमेंट दिया है। देखो एक्सपेरिमेंट को तुम्हें अच्छे से देखना है, अगर तुम्हें बी के लिए ऑर्डर निकालना है, तो क्या करोगे, जिस जिस एक्सपेरिमेंट में ए कांस्टेंट है उसको देखो, मुझे निकालना है बी के लिए ऑर्डर। तो देखो वन एंड थ्री में ए कांस्टेंट है, और देखो बी का चेंज हुआ है, अच्छे से देखो 1 एंड 3 में ए कांस्टेंट है, बी का चेंज हुआ है। ठीक है, तो बिना कुछ करके बताओ क्या क्या होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। यहां से कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया है, ये कितना टाइम इंक्रीमेंट हुआ है कॉन्सेंट्रेशन का, यहां से यहां तक कॉन्सेंट्रेशन कितना टाइम इंक्रीमेंट हुआ है, टू टाइम। बाकी लोग बताओ सर, 2 times ही। यस सर। हाँ 2 times इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो बी का यहाँ पे 2 times इंक्रीमेंट हुआ है। जब बी का 2 times इंक्रीमेंट हो रहा है, रेट का कितना टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, रेट का भी देखो 2 times इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं? यस सर। तो रेट ऑफ द सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, One. One हो जाएगा। ठीक है,
तो बी तो रेट इज इक्वल्स टू के इनटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, यहाँ पे वाई का वैल्यू आ गया है 1, ठीक है। अब मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे बी कांस्टेंट है वो देखना पड़ेगा, बी कांस्टेंट कौन सी रिएक्शन में है, इसमें देखो, इसमें देखो बी कांस्टेंट है, और यहाँ से देखो 1.6 से 3.2 हो गया है, देखो बी कांस्टेंट है और ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया है, रिएक्शन का रेट कितना टाइम इंक्रीमेंट हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा ये, सेकंड। बाकी लोग बताओ क्या होगा, ए को डबल करने से रेट 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड होगा सर, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर सी होगा, ठीक है, सॉरी सॉरी बी होगा, बी होगा, हाँ बी होगा, बी, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। टेबल बनानी है, नहीं नहीं ये तो अभी, तो अभी तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। तुम लोगों को अभी दिख रहा है स्क्रीन, यस सर, क्वेश्चन दिख रहा है ना, यस सर, हाँ सर, अच्छा 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 देखो एग्जाम में कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, कॉम्पिटिटिव में तो ऐसे देख के तुम निकाल सकते हो, बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है देख लो। अगर मुझे बी के लिए निकालना है ऑर्डर, क्या करेंगे देखो, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3 लेना पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट 1 के लिए मैं रेट को लिख रहा हूँ आर वन, और यहाँ पर लिख रहा हूँ के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर एक्स, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर वाई। अब रिएक्शन 3 या एक्सपेरिमेंट 3 के लिए के इंटू ए टू द पावर एक्स, और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 1 का वाई टू द पावर वाई। अब मुझे क्या करना है, देखो ए तो कांस्टेंट है इसलिए मैंने ए का वैल्यू नहीं लिखा है, आर थ्री बाई आर वन, आर थ्री बाई आर वन, टू इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3। तो देखो पूरा कट के इसको पूरा लिख देता हूँ, ए टू द पावर एक्स 10 टू द पावर माइनस 1 टू द पावर वाई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर थ्री बाई आर वन ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा 2 टू द पावर वाई आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें एग्जाम में निकालना है, सिमिलरली तुम्हें ए के लिए भी ऐसे निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कैसे कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा। इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट खींच के रखो, अभी लिख लिया सर, लिख लिया, बाकी मुझे उसका भी करके दिखाना है क्या, जब अकेले निकालेंगे, नहीं सर कर लेंगे, ए वाला भी तुम लोग कर लेना, ठीक है, कर लेंगे सर, हाँ। देखो बच्चों नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। देखो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन है ए टू बी, तो यहाँ पे रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चों, उसके बाद कुछ प्लॉट करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, जीरो ऑर्डर अगर होगा तो ए टी वर्सेस टी का प्लॉट कैसे होता है, ऐसा होता है नेगेटिव स्लोप होता है, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर प्लॉट करके, अगर ए टी वर्सेस टी का प्लॉट करके ऐसे ऐसा आता है तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, और अगर ऐसे आता है
एक्सपोनेंशियल डीके होता है तब हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे, ठीक है। और अगर देखो एलेन एटी वर्सेस टी का प्लॉट ऐसा आता है तो ये कौन सा रिएक्शन, बताओ प्रिया बताओ, एलेन एटी वर्सेस टी का प्लॉट ऐसे आ रहा है ये कौन सा रिएक्शन है? प्रिया बताओ मुझे। सर फर्स्ट, सॉरी सेकंड, नहीं सॉरी, हाँ फर्स्ट, सेकंड मैंने, नो सर गलती से। ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को मेजर करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बाद ये सब प्लॉट करेंगे। अगर ये वाला प्लॉट आता है तो होगा जीरो ऑर्डर, और अगर ये आता है तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। अगर ऐसा भी करते हैं एलेन एटी वर्सेस टी का प्लॉट तब भी हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। देखो बच्चों, ग्राफिकल मेथड में आपको ये दो पॉइंट्स याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टी का प्लॉट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा प्लॉट किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। अच्छा, ये लॉग ए माइनस एक्स एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये लॉग ए टी है। तो लॉग ए टी वर्सेस टी का प्लॉट स्ट्रेट लाइन किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होता है सिर्फ, ये याद रखना। दूसरा देखो, ए टी ये एक्चुअली में ए टी है, ए टी टू द पावर माइनस एन माइनस वन वर्सेस टी का प्लॉट स्ट्रेट लाइन होगा एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट मेथड है हाफ लाइफ मेथड, मेथड नंबर थ्री। अब देखो इसमें ये एक एक्सप्रेशन आता है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या था, प्रोपोर्शनल टू ए नॉट था। यहाँ पे देखो जीरो पुट कर दो, देखो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट आ जाएगा, ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, दो तीन एक्सपेरिमेंट करना है, हर एक एक्सपेरिमेंट में हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके हम टी हाफ को मेजर करेंगे, उसके बाद मान लो दो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट वन एक्सपेरिमेंट टू, उसके बाद हम टी हाफ का रेशियो निकालेंगे, उससे तुम्हारा ये एन का वैल्यू आ जाएगा। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। हाँ, अब दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ। तो देखो यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट में टी हाफ दिया है और इनिशियल प्रेशर भी दिया है, ठीक है। तो देखो पहले वाले के लिए मैं यहाँ पे इसको देखो टी हाफ टू अपॉन टी हाफ वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या यहाँ पे इनिशियल प्रेशर। तो मैं लिख रहा हूँ पी नॉट टू द पावर, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंट वन का, टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन एक्सपेरिमेंट टू। ये समझ में आया है मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे था ना ये टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ए नॉट टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर एन माइनस वन, तो एक्सपेरिमेंट टू अपॉन एक्सपेरिमेंट वन, तो ऐसा ही आएगा इक्वेशन, इसमें किसी को दिक्कत है? अब देखो टी हाफ टू ये 940 दिया है और एक्सपेरिमेंट वन में दिया है 235, और पी नॉट एक्सपेरिमेंट वन में कितना है? पी नॉट एक्सपेरिमेंट वन में है 500 और एक्सपेरिमेंट टू में है 250, ये टोटल टू द पावर वन हो जाएगा, सॉरी टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। और देखो 940 बाई 235 कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर एन माइनस वन, तो 4 मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर, ये 2 टू द पावर एन माइनस वन हो गया, मतलब 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, मतलब एन इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 होगा ऑर्डर, तो रिएक्शन का ऑर्डर होगा 3। तो आगे बढ़े क्या सर? सर एक मिनट नोट कर। यस सर। सबको ये क्वेश्चन देखो दिखाई दे रहा है? नहीं। यस सर। हाँ तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यस सर। देखो इस क्वेश्चन में देखो P एंड Q क्या है, रिएक्टेंट है। अब देखो क्या लिखा है, द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P, टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ रिएक्शन ऑफ P। मतलब यहाँ पे 75% रिएक्शन मतलब 3/4 रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे टी थ्री बाई फोर एंड टी हाफ का बात हो रहा है, तो टी थ्री बाई फोर इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 2 इंटू टी हाफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, टी थ्री बाई फोर इज इक्वल्स टू हो रहा है 2 इंटू टी हाफ। इस लाइन को अच्छे से देखो, टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ पी, इसका मतलब है टी थ्री बाई फोर इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ, और ये किसके लिए होता है, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर ऑर्डर फॉर पी हो जाएगा 1, ऑर्डर फॉर पी हो जाएगा 1, और क्यू के लिए क्या होगा ऑर्डर, देखो ऐसा प्लॉट ए टी वर्सेस टी का लीनियर ऐसा प्लॉट कौन से रिएक्शन के लिए होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, तो ऑर्डर फॉर क्यू हो जाएगा 0, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 1, 0 प्लस 1, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 1। इसमें किसी को दिक्कत जल्दी बताओ? तो आगे बढ़े, अरे चुप मत रहो, कोई एक रिस्पांस करो। यस सर। अब देखो नेक्स्ट मेथड है ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। इसमें क्या होता है, देखो एक रिएक्शन है ए प्लस बी से बन रहा है सी, अब रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा के इंटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। देखो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें एक्सपेरिमेंट को ऐसे करना है सो दैट एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में हो, वन रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। यहां पे अगर हमें ए का ऑर्डर निकालना है तो बी को लेना पड़ेगा लार्ज एक्सेस में, अगर हमें ए का ऑर्डर निकालना है तो बी को लेना पड़ेगा लार्ज एक्सेस में, तो
इससे क्या होगा, इससे ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं जिसको हम लार्ज एक्सेस में ले रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। अगर हम एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन उसका कॉन्सेंट्रेशन का कोई चेंज नहीं होगा। तो सपोज वी आर टेकिंग बी इज इन लार्ज एक्सेस, बी इज इन लार्ज एक्सेस, दैट मीन्स concentration of B will not change throughout the reaction या experiment। यहां पे हम एक ही experiment करेंगे, दो तीन नहीं। जैसे पहले वाले method में क्या हो, ratio variation method में हम दो तीन कर रहे थे experiment, यहां पे हम एक ही experiment करेंगे। अगर ए का निकालना है ऑर्डर तो सिर्फ बी को कर दो लार्ज एक्सेस। अब इससे क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के इन टू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और के क्या है, कांस्टेंट है, तो ये अभी हो जाएगा के डैश ए टू द पावर एक्स, के डैश यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, रेट, रेट मेजर करना है, एक मिनट, हाँ रेट मेजर करेंगे एंड एटी को मेजर करेंगे, रेट मेजर करेंगे एंड एटी को मेजर करेंगे। इसके बाद प्लॉट वगैरह आएगा, उससे हम निकाल सकते हैं ए के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत जल्दी बताओ, ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ। सॉरी, रेट मेजर एंड एटी वाला फिर से बताना। मतलब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट मुझे रेट मेजर करना है, एटी मेजर करना है एंड टाइम मेजर करना है। मान लो AT versus T का प्लॉट आ गया ऐसा लीनियर, तो हो जाएगा जीरोथ ऑर्डर। और अगर रेट वर्सेस AT ऐसा आता है कांस्टेंट, मतलब पैरेलल आता है, तब हो जाएगा जीरोथ ऑर्डर, ठीक है। मतलब इसमें एक ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बस, एक से भी कर सकते हो, अगर दो भी करना है दो से भी कर सकते हो। अगर तुम दूसरा वाला करोगे, दूसरे वाले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मान लो ए को तुमने डबल कर दिया और बी को तुमने फिर से लार्ज एक्सेस में रखा, एक से भी कर सकते हो दो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट से भी क्यों हो सकता है, जब हम रेट का मेजर करेंगे तो बी तो कॉन्स्टेंट है, तो बी का तो कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट में हो जाएगा। अगर B कांस्टेंट नहीं रहता, अगर B कांस्टेंट नहीं रहता तो एक एक्सपेरिमेंट में नहीं होता। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट में भी होगा, दो में भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक से अपन अगर करेंगे, मतलब सिर्फ एक को, एक रिएक्शन को एनालाइज करेंगे, है ना। मतलब जैसे दो तीन एक्सपेरिमेंट करते थे तो दो तीन के फर्स्ट मतलब इनिशियल रेट अपन एग्जामिन करते थे। हाँ। और एक अकेला करेंगे तो मतलब सिर्फ एक ही में वो कैसे वेरी कर रहा है। हाँ, मतलब अगर एक ही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो विद टाइम चेंज होगा ना, ए कंसंट्रेशन भी चेंज होगा, ए का रेट भी चेंज होगा। हाँ। तो वही मेजर करना है, मतलब टाइम इंटरवल के बाद अपन को एटी भी मेजर करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, टाइम इंटर, अगर एक ही एक्सपेरिमेंट करना है तो टाइम इंटरवल के बाद हमें एटी भी मिलना, नहीं तो ये प्लॉट कैसे आएगा। हाँ वही है सर, वो के डैश क्यों माना है,
बिकॉज बी को मैंने मान लिया ना कॉन्स्टेंट, बी इज इन लार्ज एक्सेस, दैट मीन्स बी इज कॉन्स्टेंट, तो के कॉन्स्टेंट है एंड बी कॉन्स्टेंट है, दोनों मिलाकर कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, के डैश इक्वल्स टू क्या है, के इंटू बी टू द पावर वाई. सर एक बार फिर से बताना कौन सा ये के डैश वाला. बी कॉन्स्टेंट है, बी तो कॉन्स्टेंट ले लिया ना मैंने यहाँ पे, और के भी तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट क्या होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा ना, उसको मैंने लिखा है के डैश, पूरे को के डैश. अच्छा हाँ ठीक है. अच्छा ये इमेज तुम लोगों को दिख रहा है? हेलो. यस सर. यस सर. हाँ इसको तुम लोग एक बार पढ़ के अपने मन से शॉर्ट नोट में लिख लेना, ठीक है? इसको एक बार पढ़ के तुम लोग शॉर्ट नोट में लिख लेना. देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड. यहाँ पे ये मान लो एक रिएक्शन दिया है, अब हमें पता नहीं है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ये हमें निकालना है. लेकिन हम यहाँ पे क्या मेज़र कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेज़र कर रहे हैं. देखो उसका कुछ रैंडम डेटा मैंने लिया है, जब टी जीरो है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100, और दिस इज इक्वल्स टू ए नॉट, ठीक है. टी फाइव पे 80 हो गया, टी टेन पे 60 हो गया, तो ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है. तो जनरली बोर्ड एग्जाम में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एज्यूम करना पड़ता है ये रिएक्शन कौन सा है. जनरली हम एजम्पशन लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बोर्ड एग्जाम में या तो फर्स्ट ऑर्डर होता है या तो जीरोथ ऑर्डर होता है. जनरली बोर्ड एग्जाम में हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. अब क्या करना है हमें, रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल. अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता ही होगा ये होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ऐसा होता है. तो जब t इज इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पे t 5, यहाँ पे 80, ए नॉट पता है, k निकल जाएगा. t इज इक्वल्स टू 5 पे k का कुछ वैल्यू आएगा, मान लो रैंडम वैल्यू आ रहा है 10.1. उसके बाद t इज इक्वल्स टू 10 पे भी इसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज करके k का वैल्यू आ रहा है, मान लो 10.2. अरे इसको मैं लिख रहा हूँ k1, इसको लिख रहा हूँ k2. T15 पे आ रहा है मान लो K3, ये आ रहा है आपका 10.05. अगर देखो तीनों सेट ऑफ डेटा से रेट कांस्टेंट का वैल्यू नियरली इक्वल आता है, देन हम लोगों का एजम्पशन क्या होगा, हम लोगों का एजम्पशन सही होगा, ठीक है. अगर रेट कांस्टेंट के वैल्यूज में बहुत ज़्यादा अंतर होता तो हम लोगों का एजम्पशन गलत होता. यहाँ पे जो मैंने रैंडम डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग देखो के वन के टू के थ्री का डेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मतलब हम लोगों का जो एजम्पशन है वो सही है. बच्चों यहाँ पे मैंने सारे डेटा रैंडमली लिया है, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट मत करने जाना, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा एजम्पशन सही है. अल्टीमेटली रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, के एवरेज ऐसे निकालेंगे, के एवरेज इज इक्वल्स टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री अपॉन 3, ठीक है. तो अगर फर्स्ट ऑर्डर एजम्पशन गलत होता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एजम्पशन लेंगे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. ये मेथड उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना खास मेथड ये नहीं है, ठीक है बच्चों. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए. तब तक के लिए थैंक यू, बाय.